गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप होंगे। और सुबह मैं अभी आया था शुरू में, दरअसल ये वाला डिफेंसल देने का लिए मैं अभी शुरू से अगर से डिफेंसल ले कर आया। दरअसल शुरू में कुछ काम भी था, गाड़ी का कागज वगैरह कहाँ पर किया नहीं किया वो पूछने वाली, तो जाकर पूछते हैं गाड़ी का कागज का क्या हाल है। कुछ पैसा ही बाकी था तो वो मैंने जमा करवा दिया है, बाकी 5000 रुपये वगैरह बाकी है जो भी मैं जमा करवा दूँगा कुछ दिन में कर लिया। तो उसको आज सबसे जगह घूमने सबसे जगह में घूमने अभी अभी हम लोग आ चुके हैं मुरलीगंज हाई स्कूल का सामने। और दरअसल शोरूम से अभी आ रहे हैं और शोरूम में कागज वगज का काम बोल रहा है कि हो रहा है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ आ गया। तो चलो चलते अभी स्कूल में जाएंगे, उसका पहले देना दाना वाला तो उससे बात कर उसको ले जाएंगे एक साथ। और भाई देख सकते हो सस्ती जगह में तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है। आप लोग चिंतित हो कहाँ कहाँ जाने वाले हो आज घूमने के लिए? बस नेपाली बस्ती और कहीं नहीं जाऊँगी। और हाँ, नेपाली बस्ती का मोमो बेस्ट होता है वहाँ का, क्या इसलिए वहाँ जाने वाला है सबको। और हम लोग स्कूल में भी जाने वाले हैं, अभी मेरा दोस्त आ रहा है। ठीक है, तुम लोग जाओ, टाटा बाय बाय। मेरा दोस्त आ चुका है, तो हेलो, चलो भीतर में घूम। दोनों दोस्त मिल गए आते अंदर घूमने के लिए। और भाई साइकिल लेके जा रहा है, सारा साइकिल जो तोड़ के लेके जा रहा है इधर से। सारा बच्चे लोग जो आगे आगे और भाई दरअसल मैं आया था स्कूल में और बच्चे लोगों ने मुझको जो सारा बच्चे लोगों ने मुझे घेर कर रखा है भाई, क्या और भाई देख सकते हो। कल रात जो मैं आया था यहाँ पर और यहाँ का पेंडल देख सकते हो क्या ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहा है। और ये मुरलीगंज हाई स्कूल, तो चलो चलते आगे और देखते हैं कैसे है। चलो आगे, चलो जल्दी, चलो चलो। और हाँ, अभी होने वाला है अंजलि और देख सकते हो सारे बच्चों लोग जो बैठे हुए हैं इधर में अंजलि देने वाली है। और ये काल में जो रात में जो हम लोग पेंडल बना रहे थे, दरअसल छोटू में और भी काफ़ी सारे लोग थे, तो ये वाला पेंडल देख सकते हो क्या ही मस्त हुआ है। और देख सकते हो यहाँ का जो प्रतिमा जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, नीचे दिखाइए ना। और भाई हम लोग उधर से घूम के भी आ गए और देख सकते हो स्कूल यहाँ का टॉयलेट में। और देख सकते इधर में सब्जी वब्जी बन रहा है। ये रहा इधर का खाने का रूम जो कि यहाँ खाना वाना खाते हैं अंदर में। ये रहा टॉयलेट, तो चलो हम लोग जाएंगे अभी टॉयलेट का अंदर और देखने वाले मुरलीगंज हाई स्कूल का टॉयलेट कैसा है। आस्ते ये रहा मुरलीगंज हाई स्कूल का टॉयलेट जो कि साफ ही है, उतना ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि कहीं कहीं तो काफ़ी ज़्यादा जो गंदा होता है टॉयलेट रूम पर, यहाँ पर ठीक है। और ये रहा खाने का रूम, आप लोग वीडियो में कैंटीन देखोगे हाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उधर में जो खाना पीना बन रहा है अभी और इधर में जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ इधर में खाना वाना बन रहा है, क्यों होगा इसकी खिचड़ी 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 बन रहा है सरसों भुजिया का लिए, देख सकते हो। यहाँ में गोविंद है, कैसे हो? तो चलो अब बाहर में देखते क्या क्या हो रहा है। जैसे तो मलिन हाई स्कूल में खिचड़ी बनने के लिए सब्जियाँ काटा जा रहा है, इधर में ठीक से काटिए सब्जी। हाँ लाइव सब्जियाँ काटा जा रहा है खिचड़ी बनने का लिए। और इधर में बाकी नल जो कि काफ़ी ज़्यादा जो मतलब जो कि यहाँ का काफ़ी ज़्यादा जो क्लीननेस किया गया है, सफाई किया गया है, मतलब चारों तरफ जो चकाचक है, मतलब उतना मतलब ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, सौरभ जैसी कौन है फिर हम लोग को सौरभ जैसी मिल गया है। हम है राइडर, इंडिया का सबसे खतरनाक राइडर, हम है इंडिया का सबसे राइडर। ये सौरभ जोशी बांदर, मैं हूँ शिवा भाई का यूट्यूबर।
सारा बच्चे लोगों को मैंने काम में लगा दिया है। हाँ एकटा करो ना एकटा करो ना हाँ नहीं जाओ इधर नहीं जाएगा हम सबसे बड़ा बड़ा हाँ जाओ उधर लेके जाओ सारा बच्चे लोग बहुत ज्यादा दुख रहा था सबको काम में लगा दिया ना देख सकते हो सारा लोग को काम में लगा दिया हूँ। और भाई मुरलीगंज हाई स्कूल से हम लोग आए हैं देख सकते हो चेक पोस्ट में पेंडल देखने के लिए और यहाँ का छोटा सा पेंडल जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और सारा बच्चे लोगों को मैंने उठा के लेके आया तो देख लो यहाँ का पेंडल। और अभी हम लोग जाने वाले दूसरा जगह पेंडल देखने के लिए दूसरा जगह भी जाने वाले हैं चलते हैं यहाँ का पेंडल देख लो। अभी देख सकते हो चेक पोस्ट स्मार्ट का पेंडल देखने और यहाँ का भी जो डिज़ाइन सेम टू सेम बनाया गया है ये पेंडल भरा है और वो पेंडल जैसा छोटा था और रात को यहाँ प्रोग्राम भी होगा। कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना और हाँ अभी मैं जाने वाला हूँ वीडियो एडिट करने उसके बाद जाकर सोचूंगा। और देख सकते हो रात का जो है 12 बज चुका है और अभी तक नहीं सोया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था तो चलो अभी ये वीडियो एडिट करेंगे उसके बाद सोएंगे। गुड नाइट।